अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू एंड सॉरी कि मैं लेट हूँ। मैं काफ़ी टाइम से ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन टाइम नहीं मिला तो मैं वीडियो बना नहीं सका। और ये हमारी सीरीज़ की 20th वीडियो है। इस वीडियो में हमने एक छोटे से कॉन्सेप्ट यानी कि दो इंस्ट्रक्शंस हैं, इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन INC और डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन DEC, उस दो इंस्ट्रक्शन को देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने मेरी वीडियोज़ पहले नहीं देखी हुई तो आप मेरी वीडियोज़ को पिछली वीडियोज़ को देखें और उसके बाद आप इसको देख सकते हैं। अगर आप सिंपली INC को देखना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो पर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, INC और DEC जो इंस्ट्रक्शन है ये बेसिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं और ये हमारे वेरिएबल या रजिस्टर यानी कि मेमोरी लोकेशन में या रजिस्टर में जो वैल्यू पड़ी होती है उसको एक नंबर कम करने या बढ़ाने के काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी रजिस्टर की वैल्यू है 10H तो उसे अगर 11H करना है यानी कि हेक्साडेसिमल, क्योंकि ये जब भी इंक्रीमेंट करती है ये हेक्साडेसिमल का इंक्रीमेंट करती है। अच्छा, उसके अलावा ये जो इंस्ट्रक्शन है ये हमारे कुछ फ्लैग्स को इफेक्ट करती है जिनमें ओवरफ्लो फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग और पैरिटी फ्लैग हैं। अच्छा, ओवरफ्लो फ्लैग क्या होता है कि जब हमारे वैल्यूज जो स्टोर हुई होती है वो किसी भी, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे रजिस्टर में वैल्यू स्टोर हो सकती है FF यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो रजिस्टर में स्टोर हो सकती है, अगर आप उस वैल्यू में एक नंबर का इंक्रीमेंट करेंगे तो आपको भी पता है मुझे भी पता है कि वो वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती उस रजिस्टर में। इन दैट केस ये ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाएगा। अच्छा, साइन फ्लैग तब सेट होता है जब कोई वैल्यू अपना साइन चेंज कर ले। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉजिटिव वैल्यू थी वो नेगेटिव हो जाए या एक नेगेटिव वैल्यू थी वो पॉजिटिव हो जाए। ये तब होता है अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल आपने रजिस्टर में जीरो था और आप उसको डिक्रीमेंट करते हैं यानी -1 करते हैं तो रजिस्टर के अंदर -1 चला जाएगा। अब उसकी पहले तो वो पॉजिटिव का नंबर था लेकिन अब बाद में वो नेगेटिव हो गया तो साइन फ्लैग ऑन हो जाएगा। जीरो फ्लैग तब ऑन होता है जब हमारा कोई भी रजिस्टर जीरो होता है। ये वैसे मैंने फ्लैग्स अपनी फ्लैग वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किए थे। और पैरिटी फ्लैग जो होता है ये भी कुछ इसी तरह का है। ये पैरिटी फ्लैग बेसिकली चेक करता है कि नंबर ऑफ वंस, मतलब अगर आपका जो भी नंबर स्टोर हुआ है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 10 की फॉर्मेट में हो जाता है वो नंबर, तो उसमें जो नंबर ऑफ वंस है कि कितने वन आ रहे हैं उस नंबर में, वो इवन हो तो ये पैरिटी फ्लैग सेट होता है और ऑड हो तो ये जीरो होता है। फ्लैग्स अगर आपने वैसे समझ नहीं आ रही फ्लैग्स की तो आप इसके लिए दूसरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने फ्लैग्स को एक्सप्लेन किया। अच्छा, ये छोटे से प्रोग्राम की एग्जाम्पल भी दी हुई है इस पेज पे, डॉट डेटा ए बी। इसमें हो क्या रहा है कि इंक्रीमेंट ए, यहाँ पे बेसिकली ए की वैल्यू 11H हो जाएगी। यहाँ पे आपने ए को डिक्लेयर किया 10H, इंक्रीमेंट ए किया तो उसमें 11H हो गया। मूव AL में हमने ए की वैल्यू मूव कर दी यानी AL की वैल्यू हो गई 11H। उसके बाद AL को हमने डिक्रीमेंट कर दिया तो AL में 10H हो गया, सिंपल इनफ। अच्छा, इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट भी करेंगे EMU पे ताकि हम श्योर हो कि जो काम मैं बता रहा हूँ वो एक्चुअल भी हो रहा है। स्टैक 100H मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको स्टैक के बारे में बताऊंगा, तो अभी आप वेट करें, जब इसकी बारी आएगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अच्छा, हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, माई वेरिएबल। अच्छा, मेरे से किसी ने लास्ट वीडियो में कमेंट करके पूछा था कि मैंने वेरिएबल का नेम जो है मैं उसे इतना लंबा क्यों रखता हूँ। बेसिकली इसकी रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि वेरिएबल का नेम जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, जो चीज़ हम उसमें स्टोर कर रहे हो वो पता लगती रहे। तो इसमें मैं स्टोर कर देता हूँ 12H। अच्छा, डॉट कोड। अब मैं क्या करूँगा, मैं मूव करूँगा AL रजिस्टर में माई वेरिएबल की वैल्यू और DL में मूव कर दूंगा AL की वैल्यू और AH में मूव करूंगा 2 और int 21H। अच्छा, बेसिकली जो ये कोड है ये तो हमारा कैरेक्टर को प्रिंट करने का कोड है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ इस चीज को। ये जो लाइन है ये बेसिकली DL के अंदर AL की वैल्यू को मूव कर रही है बेसिकली, बल्कि ये तीनों लाइनें ही हमारी प्रिंट की हैं अगर हम इनको ऐसे कंसीडर करें। और जो भी वैल्यू DL के अंदर स्टोर होती है और ये दो लाइनें एग्जीक्यूट होती हैं तो जो वैल्यू DL के अंदर स्टोर होती है उसको प्रिंट कर देते हैं। सो अभी तक हमारे 12H जो है वो AL में स्टोर हुआ है और AL से DL में गया। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, इसको हम एग्जीक्यूट करें तो ये साइन आ गया है हमारे सामने। ASCII कोड्स में जाएँ तो 12H के कॉरेस्पॉन्डिंग ये साइन है।
अब अगर मैं इस साइन की जगह ये वाला साइन प्रिंट करना चाहता हूँ जो कि 13 के आ गया है, तो मैं सिंपली करूँगा क्या, मैं al को इंक्रीमेंट कर दूंगा, या तो मैं इसे यूं भी कर सकता हूँ, al में अगर मैं 1 प्लस करूँ तो ये वाला साइन प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये प्रोग्रामिंग का एक हेल्दी वे नहीं है कि आप हर दफ़ा उसमें ऐड कर रहे हो। इसके बजाय मैं करूँगा क्या, आई विल डू इट लाइक दिस, INC AL। अब रिजल्ट तो सेम आएगा लेकिन ये प्रोग्रामिंग का एक अच्छा वे है और एक जनरलाइज वे है। और ये इंस्ट्रक्शन करती क्या है, अगर मैं इसे कमेंट करके आपको बताऊं, al इक्वल टू al प्लस 1। सो पहले al की जो वैल्यू यानी कि 10h है वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी और उसमें 1 प्लस होगा और वो दोबारा al के अंदर ही स्टोर हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि ये अब यहाँ तक इस लाइन के एग्जीक्यूशन तक al की वैल्यू 11h हो जाएगी, अब अगर मैं चाहता हूँ कि al की वैल्यू वापस 10h हो जाए तो मैं यहाँ पर डिक्रीमेंट लिख दूंगा। उससे होगा क्या, मैं सिंगल स्टेपिंग में रन करता हूँ, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, माई वेरिएबल के अंदर 12 स्टोर था, al के अंदर 12h आ गया। अच्छा, अब इंक्रीमेंट al की कमांड एग्जीक्यूट हुई, 13h हो गया। अब डिक्रीमेंट al की कमांड हुई, वापस 12h हो गया। अब हमने al की वैल्यू dl में मूव की, ये 12h यहाँ मूव हो गया और उसके बाद ये प्रिंट हो गया आपके सामने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आज की वीडियो में बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में मुझे एटलीस्ट बताएं आपको वीडियो बुरी लग रही है, अच्छी लग रही है, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट्स ला सकूं। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर मेरे पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए।